दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2019 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर की कि ऐसे कौन से पांच बॉलर होंगे आईपीएल 2019 के ऑक्शन में जिनके ऊपर केकेआर की टीम जो है वो हमें बोली लगाते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आईपीएल 2019 के ऑक्शन से पहले केकेआर ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जहां पर उन्होंने अपने सबसे महंगे बॉलर मिचेल स्टार्क को जो है वो किया रिलीज। और इनके साथ साथ दोस्तों यहां पर मिचेल जॉनसन को भी रिलीज किया, टॉम करन को, साथ ही साथ विनय कुमार को भी जो है केकेआर की टीम ने रिलीज किया है। और ऐसे में केकेआर का आईपीएल 2019 के ऑक्शन में जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है फास्ट बॉलर्स के ऊपर, और फास्ट बॉलर्स में भी फॉरनर फास्ट बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो शिवम मावी है, नागर कोटी है, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे इंडियन फास्ट बॉलर है टीम के पास। और ऐसे में टीम का फोकस जो होगा वो होगा सिर्फ फॉरनर फास्ट बॉलर्स के ऊपर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पांच फॉरनर फास्ट बॉलर्स की जिनके पीछे जो है केकेआर की टीम जा सकती है। तो दोस्तों नंबर पांच पर है यहाँ पर जूनियर डाला जो कि साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, पिछले साल दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में थे, इस साल आएंगे ऑक्शन में और इनके पीछे भी केकेआर की टीम जो है वो बोली लगा सकती है। नंबर चार पर है दोस्तों यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो इनके पास भी आईपीएल का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है, पिछले साल मुंबई इंडियंस की टीम में थे, उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, और ऐसे में ये भी एक बहुत ही अच्छी पिक हो सकते हैं केकेआर की टीम के लिए। नंबर तीन पर है दोस्तों इस लिस्ट में क्रिस वोक्स जिन्होंने 2017 का आईपीएल केकेआर के लिए ही खेला था और बहुत ही अच्छा सीजन गया था इनका आईपीएल 2017 का, लेकिन आईपीएल 2018 उतना अच्छा नहीं गया जिसकी वजह से आरसीबी ने इन्हें रिलीज किया है। लेकिन एक बार फिर से केकेआर की टीम जो है अपने पुराने स्टार बॉलर क्रिस वोक्स के ऊपर बोली लगा सकती है और दोबारा से क्रिस वोक्स जो है वो हमें केकेआर की टीम में दिखाई दे सकते हैं। नंबर दो पर है दोस्तों यहाँ पर डेल स्टेन जो कि साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है, इनके पास भी आईपीएल का काफी अच्छा अनुभव है और इस समय ये अपने पीक फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और ऐसे में केकेआर की टीम जो है मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बॉलर की कमी को पूरा करने के लिए डेल स्टेन को खरीद सकती है। और नंबर वन पर है यहाँ पर ओशेन थॉमस जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही युवा और बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है, स्पीड की अगर इनकी बात करें तो 140 प्लस की स्पीड से बॉल कराते हैं। अभी जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20 और ODI सीरीज हुई है उनमें भी इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा था और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर केकेआर की टीम आईपीएल 2019 के ऑक्शन में ओशेन थॉमस जैसे प्लेयर को जरूर लेना चाहेगी। तो दोस्तों ये हो सकते हैं वो पांच प्लेयर जिनके ऊपर केकेआर की टीम बोली लगा सकती है आईपीएल 2019 के ऑक्शन में। ये सभी के सभी फास्ट बॉलर है, वो भी फॉरनर फास्ट बॉलर, क्योंकि केकेआर को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है फॉरनर फास्ट बॉलर की। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन से प्लेयर के ऊपर केकेआर की टीम जाएगी आईपीएल 2019 के ऑक्शन में, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।